गाइस आज मैं आपको दिखाती हूँ परी। इसको देखो, आप देख रहे हो इसका सोने का ढंग, तकिए पे सर। और अभी तो ये बहुत अच्छे पोस्चर में है, ये आपको सीधी दिख रही है वरना। हाँ, ये अंगड़ाई है देखो, ये जिसकी मालकिन इतनी आलसी है उसका डोगी तो ऐसा ही होगा ना। ए आलसी डोगी, इतना कौन सोता है और ऐसे कौन सोता है? नीना इतना आलसी नहीं होते बेटा, सारी रात भोंकती रहती है, गली में से कोई निकल जाए तो शुरू हो जाती है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी हो गई पूरी गली है ना, कोई गाड़ी नहीं चला सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई अपने घर का गेट नहीं खोल सकता। बाऊ बाऊ बाऊ, गुड मॉर्निंग नहीं करनी, नहीं करनी गुड मॉर्निंग। ये देखो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखो 12 बज गए हैं और ये बच्चा अभी तक सुस्ती का मारा। और देखो मुझे कैसे देख रही है कि ये मेरी वीडियो बना रही है ना। आज मैं सबको दिखा रही हूँ कि शिज्जू ऐसे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। अगर किसी को रखना है और एक प्यारा लवेबल कुत्ता रखना चाहता है कि जिससे वो खेल सके लाइक अ चाइल्ड, तो आप शिज्जू रखो। ये देखो परी को कितना प्यार कर रही है, इसका सुबह का रोज का यही काम है, परी को बहुत प्यार करती है। ये देखो बाश, पता है मुझे सुबह भी कंटिन्यू लगी पड़, 15 मिनट चाटती है मुझे रोज सुबह। और ये इसका आज मॉर्निंग में भी लगी हुई थी 8 बजे करती है। नीना बाबू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। ये अभी भी नहीं उठेगी, अंगड़ाइयां देखो इसकी जरा। वेलकम बैक टू आवर द न्यू ब्लॉग। आपने सुबह देखा कि जैसे अब मैं सो रही थी और मम्मा ने मेरे को भी सोते सोते कैच कर लिया। मम्मा ने मुझे आलसी कहा, मैं आलसी नहीं हूँ, मेरे से लेट तो नॉन डे उठते हैं और आज ही मैं तले छुट्टी हूँ, अदरवाइज मेरी 10 बजे क्लास होती है, मैं उससे पहले उठ जाती हूँ। आज से मेरी 12 बजे से क्लास थी तो आज मैं लेट हो गई, मतलब एकदम टाइम पे उठती जब क्लास लगा थी जब भी उठी मैं। आज मैं लेट हो गई बट कल से मैं लेट नहीं होंगी, कल से मैं टाइम पे उठूंगी। एंड आई एम थिंकिंग व्हाई आई एम टॉकिंग टू माय सेल्फ। सो जर अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, अजीब थिंग एक यूनिक थिंग, मतलब समोसा आलू का होता है और यहाँ पे समोसा पिज्जा समोसा, तो लेट्स लुक हाउ इट। और ये मतलब ऐसा भी नहीं कि देखो ये ना एक प्लेट देना मम्मा, ये है पिज्जा समोसा, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा वैसा लग रहा है ना नॉर्मल सबका। पिज्जा की फीलिंग है पूरी अंदर, अगर इसमें क्या भरा हुआ है, कॉर्न है, कॉर्न, गाजर, चीज, मटर, ये सब है इसमें और टेस्टी भी है ना। एमू अपना खाना छोड़ के अच्छा भला खा रही थी, फिर देखा देखा दीदी प्लेट लेके आई है, चलो चलो देखते हैं, अभी खिला रही हूँ मैं आपको, जाओ और वो खाओ। अरे हैं और मम्मा को ये समोसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है ना मम्मा। हाँ ऐसा है कि एक बार ट्राई कर लिया एक्सपीरियंस के लिए। समोसा कह रहे तो पुल होना चाहिए, हाँ, चीज पुल होना चाहिए, वैसे बिना चीज के ही नहीं, चीज तो है मम्मी, क्रस्ट सॉफ्ट हो रखा है अंदर का, चीज की वजह से होता है वो। ओनली पिज्जा टॉपिंग, हाँ टॉपिंग पिज्जा की है, बट पिज्जा हाँ लेकिन अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं है बट दोबारा ट्राई नहीं करूंगी। बोलना चाहिए विदाउट चीज वाला पिज्जा वो होता ही नहीं है, तो फिर हमें पागल क्यों बना रही है। विदाउट टॉपिंग वाला पिज्जा जरूर होता है, मतलब विदाउट चीज वाला पिज्जा नहीं होता। अच्छी बात ये है कि हमने ट्राई के लिए एक ही मंगाया, हाँ जो मैंने खाया है। और उधर नॉन में खा रहे हैं अपना डोसा, भाई कैसा है? मेरा तो फेवरेट ही है। हाँ और ये मैडम जो उदास होकर बैठ गई है क्योंकि इनके मतलब का कुछ भी नहीं है इसको अपना खाना छोड़ गया, हमारा चाहिए, हाँ, और जो कि बहुत बुरी बात है। शक्ल देख लो कितनी भोली बना के लेटी है, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, हाय हाय सभी मजा आ रही है। अब दिख रही है सामने एम्बू को लेके, थोड़ी धूप है वहाँ पे तो हम लोग वहाँ बैठ लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे जो जो है चिड़िया बर्ड, पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, हमने क्या कहते हैं, हाँ बजी से बहुत सारी वो भी दिखाऊंगी। तो चलते हैं, चलो आ जाओ, प्लान चेंज हो गया। सो फ्रेंड्स प्लान चेंज हो गया और हम सामने ने जाके यहाँ पे उसको मैं एमू को घुमाने वाली जगह पे आ गए, बिकॉज ये एमू के घूमने का टाइम था और वो अभी तक मतलब उसको फ्रेश करवाने के लिए फिर हम जाए थे, पता चलता उनके घर में जाके कुछ कर देती, तो दैट्स वाई हमने रिस्क ले लिया और हम यहाँ पे ले आए अब उसे। यहाँ पे धूप तो नहीं है बट हाँ वो बहुत इंजॉय करती है इधर आके, उन्होंने के पीछे पीछे घूमती है
और मैं आज अपनी साइकिल भी लाई हूँ थोड़ी सी इसको चलाने के लिए, 3-4 राउंड मार लिया है। अब थोड़ी देर रैमो के साथ खेलूँगी, दोबारा साइकिल चलाऊँगी। फिर अभी पहले जाओ भगाओ उसे थोड़ा। एमो कम, क्या आ गया। बट उसके बाद कोई व्लॉगिंग नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, अब कर लेते हो उसके। क्योंकि उसके बाद में करने लगी ड्राइंग, मतलब जब उसके बहुत देर बाद, जब ही नहीं आने के भी बहुत देर बाद मैं बैठ के ड्राइंग नहीं की। एंड फर्स्ट टाइम आई यूज क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल यूज की, क्रेयॉन नहीं, ऑयल पेस्टल से बनाया मैंने ड्रॉ। फर्स्ट आई बनाई है फर्स्ट टाइम ऑयल पेस्टल यूज करके। सो जो फर्स्ट टाइम था वो तो कुछ ऐसा था, सेकंड वाला उससे अच्छा था बट उतना परफेक्ट नहीं है जितना मैं चाहती हूँ, बट धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। मैंने सबसे पहले मैंने ये बनाया जो कुछ ऐसा आया, एंड इसके बाद फिर मैंने ये बनाई। तो मतलब दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। वो मेरे को जैसे वो बनाने के बाद ना मेरे को अपनी गलतियाँ पता चल गई, तो जो मैंने इस वाली में टेक कर ली। ये भी अभी एकदम मुझे पता है एकदम परफेक्ट नहीं बनी है, बट हाँ मतलब पता नहीं कैमरे में पता चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आंख मुझे देख रही है। हाँ मतलब उसमें पता है क्या होता है, पता नहीं आप लोगों को इसकी पेंटिंग तो पता चलता नहीं चलता, पोस्टर वो जो पोर्ट्रेट वगैरह बनाती है ये। हाँ। पोर्ट्रेट बोलते हैं ना, क्या हाँ, पोर्ट्रेट कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं। उसके अंदर ना ऐसा लगता है जैसे जान है। हाँ। और ऐसा ही कुछ इसकी आईज में भी लग रहा है, नीचे वाले आईज देखा ना रियल लग रही है, ऊपर वाली तो फर्स्ट टाइम था इतना खास नहीं, मतलब नीचे वाली। फिर पता है क्या हुआ, फर्स्ट वाली मैंने डायरेक्ट क्रेयॉन से स्टार्ट किया, पर सेकंड वाले में मैंने क्या किया ना, उसका आई का जो शेप है ना वो मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया, तो इस वजह से आई लैशेस अच्छी नहीं है, ओरिजिनल लग रही है। नीचे वाली ऐसे लग रही है हमें देख रही है ना। अरे ऊपर वाली ने एक्चुअली क्या हुआ ना, जब हमारा गंदा बनता है ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता उस ड्राइंग को मैं पूरा भी करूँ, मैं उसको जहाँ गंदा होता था वहीं छोड़ देती हूँ। हाँ बहुत दिनों बाद किया, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। आई वाज बिजी इन वाचिंग हैरी पॉटर। हाँ हैरी पॉटर के चक्कर में सारा हो रहा है एक्चुअली। मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी बड़ी मतलब एकदम से मुझे हैरी पॉटर इतनी अच्छी लग रही है कि मैंने हैरी पॉटर के नॉवल का 12 चैप्टर देख डाले 3 दिन में, तब बड़े बड़े 12 चैप्टर पढ़ लिए। सॉरी जो तुझे रोज कर एक बार तो एक तो बनाना चाहिए ना प्रैक्टिस। हाँ। तो हमें लगता है कि वो गलती से सोती है, बट मतलब लिटरली जितनी बारिश होती है इसको तकिया चाहिए होता है, ये तकिए पे सर रख के सोती है, ऐसा कौन करता है बेटा। जब फर्स्ट टाइम ये सोई थी ना हमें लगा कि ऐसे ही उसने रखा हुआ है, और उसके बाद से मतलब इसको जब ये सो रही है इसे तकिया चाहिए ही चाहिए। हम इसके हिसाब से तो अब गर्मी आ चुकी है अकॉर्डिंग टू हर बॉडी टेम्परेचर, कभी भी ऐसे ही सो रही है। क्या कहना है, सही बात है। सो फ्रेंड्स वो देखो कैसे मेरी भाग जाए यहाँ से, बेइज्जती करवाने के लिए पैदा हुई है इस दुनिया में मेरी। देखो हमारी सेम टोपी। मम्मा ने बनाया है मंचूरियन जिसकी बॉल्स अभी भी फ्राई हो रही है, बट एक ही चीज़ है इसमें जो अच्छी नहीं है, थोड़ा नमक बहुत ज्यादा हो गया। मम्मी इसमें क्या बेइज्जती, नमक ज्यादा हो गया। फ्रेंड्स पता है हमने खाया था नमक वाला गाजर का हलवा, थोड़ा सा ये क्लिप डलेगी अच्छा बोलो क्या मंचूरियन के बारे में, क्या अच्छा मंचूरियन के बारे में कुछ बता दे, बताओ नहीं बता रही, नहीं नहीं बताओ, मम्मी को थोड़ा मना लिया है, अब बताओ क्या गलती हुई है। मेरे को थोड़ा सा ना आइडिया नहीं आ रहा था, गोभी का मैंने प्रॉपर नमक रखा था बट इसमें नमक कम रखना चाहिए ग्रेवी में। ये कहाँ भोग रही है, एक मिनट, अच्छा वो बैलून मांग रही है नोनो वैसे। हाँ बोलो, या तो मेरा इंटरव्यू ले रही है तो मेरा ले। अच्छा अच्छा बच्चा भोग रहा था ना, तो वो एक्चुअली गोभी में हल्का नमक होना चाहिए, ग्रेवी में भी नमक होता है। हाँ। तो मैं तो प्रॉपर अपना खा के भी देखा नमक ठीक लगा मुझे, मेरी मम्मी पूरा मान गई।
सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. होप सो यू लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड कमेंट. एंड करके जाना, सब्सक्राइब बोलना मत, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, जरूर करना. बाय.